Assalamu alaikum, welcome back to my channel. My name is Muhammad Saqib and I am a fourth year medical student studying medicine here in Almaty. Almaty is one of the beautiful city in Kazakhstan and I love this beautiful city. मतलब कि ये ऐसा city है, हर चीज़ यहाँ पे available है. 80 लाख इसकी आबादी है, तो आबादी के लिहाज से आपको हर चीज़ अवेलेबल है, सहूलियात, फैसिलिटीज़, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे रात हो सुबह हो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी. सिटी भी ऐसा है कि उसने अपने अंदर अपने इंसान को इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि अभी मैं सुबह उठा था, मैं बाहर नेचर देख रहा था, इतना वो अच्छा पुरसकून माहौल था. तो पूरी रात हम वैसे सोए नहीं थे, तो अभी उठ के बाहर बस गए थे, तो अभी उठे हैं. थोड़ी सी लपुश्की पड़ी थी, वो हमने खाई, और उसके बाद फिर अभी यूनिवर्सिटी जाना है. 7:15 हो रहे हैं, रेडी होना है. तैयार होने के लिए कपड़े आज पहने ज़ारा के, तो इतने महंगे, सॉरी भाई, वो बेचारा परेशान हो गया है ज़ारा. तो ज़ारा से जैकेट और शर्ट वगैरह ली थी, तो वो पहनेंगे. काफ़ी दिनों से मैंने लिए हुए थे, इतने महंगे थे, पहनने को दिल नहीं कर रहा था, तो आज मैंने कहा चले पहन लेते हैं. तो फिर रेडी होके यूनिवर्सिटी चलेंगे, ठीक है. ये जैकेट निकाला है हमने, इसके साथ हम पेंट और शर्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज इतनी ठंड नहीं है. सूरज अपने ताबो शान से निकला हुआ, शान ताब से निकला हुआ, तो पहनते हैं फिर पेंट और शर्ट सेलेक्ट कर लूँ. जी जनाब, तो अब हम हो चुके हैं रेडी. ज़ारा का जैकेट और शर्ट पहन ली है. वैसे ये मैंने नहीं लिया था, मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने कहा चले पहनूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. अभी हमें जाना है यूनिवर्सिटी, उसके लिए हम एज़ यूजुअल बस पकड़ेंगे. मैं फिर आपको बाहर लेके जाता हूँ, एक तो बाहर आपको नेचर दिखाता हूँ और बाहर का एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ. चलिए फिर चलते हैं. अस्सलामु अलैकुम उमर भाई, गुड मॉर्निंग. हम तैयार हो के इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि हमारा था मिड फ्राइडे को, वो हो गया क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह. तो जब मिड होते हैं ना, तो हम बड़े परेशान होके जाते हैं, तो मिड के बाद हम फिर ना बड़े तैयार होके जाते हैं. ये गाड़ी खड़ी, वो कह रहा गाड़ी पे चले, मैं कह नहीं यार, इतने पैसे नहीं है, अभी बस पे ही चलते हैं, वही फोन करते हैं. तो इसलिए हम तैयार होते हैं, जब यूनिवर्सिटी में इतना काम ना हो, कोई मिड वगैरह ना हो, तो फिर बड़ा ना हम रेडी होके जाते हैं. तो अभी बस स्टॉप पर हम पहुँच चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं. Wait, who takes your videos? You take his video. I myself. You just put them. Sometimes. He was like, everybody. Do not forget me when you get rich, right? Notice, he almost forgot you. Be careful. Hold him tighter. It's loading so much, but yes, I will check it. After 4 hours later. जी, हमारी क्लास ऑफ हो चुकी है. हम यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं. यूमिस्टेक की इतनी अच्छी यहाँ पे शॉप है, आई लव इट, अबाउट मोबाइल्स, अबाउट एवरी एक्सेसरीज. तो उमर भाई ने कवर चेंज कराना था अपने मोबाइल का, तो हम उधर जा रहे हैं, तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा. ये है यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, मोबाइल के बारे थोड़ा बहुत, स्टूडियो वगैरह, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है आपको यहाँ से मिल जाएगा. अच्छा, मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन ही कर रहा हूँ. स्टूडेंट को ये कहना, अगर उन्होंने कुछ मोबाइल के बारे में, तो यहाँ से ये सारी एंड तक की है, तो हम ले लें, तो फिर आपसे करते हैं बात.
जी तो अभी हम यूमिस्टिक पे गए थे, वहाँ से मोबाइल कवर चेंज करवाया और एक दो चीज़ें ली हैं, एक लैंप ग्लोब लिया है। तो उसके बाद हमें भूख लगी थी क्योंकि सुबह नाश्ता भी इतना खास नहीं किया था। अभी हम फिर आए हैं अटार, यहाँ से हम टर्किश डोनर खाएंगे, फिर कोई रात सोए नहीं थे घर जाएंगे और नींद पूरी करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे यहाँ ट्यूसडे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ठीक है। कलर ड्रेसिंग बस शर्ट चेंज की है, ठीक। दूसरा जो मैंने कहना था, आज हमने जाना है कापचगे। कापचगे एक छोटा सा सिटी है कज़ाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ पर एक लेक है जिसे आप कह लें मिनी सी इनका। तो उमर भाई को जो है वो फ्री राइड मिली थी कार पे, ये वो ऐप यूज़ करते हैं कि आप 200 किलोमीटर तक हमारे बोनस इन्हें मिला था तो फ्री जा सकते हैं। तो हमने फिर सोचा वो 70 किलोमीटर यहाँ से, तो वो 150-100 किलोमीटर बनता है, तो हम वो घूमने जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा सीन है लेक का, वो काफ़ी अच्छा व्यू है। तो आज हम जाएँगे उधर और फिर मैं आपको वहाँ ले कर जाता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, क्लास अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करने के बाद फिर हम कार को पिक करेंगे। कार पिक करने के बाद घंटे का कार पे सफ़र है, ठीक है। तो घंटा जाने को लगेगा, घंटा आने को लगेगा, तो फिर वहाँ पे चलते हैं और वहाँ जाके फिर वहाँ का व्यू चेक करेंगे, ठीक है। और आपको ब्यूटी ऑफ कज़ाकिस्तान दिखाऊंगा। नेचर में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नेचर है, बहुत सी जगह घूमने वाली हैं लेकिन दूर दूर हैं। तो बस आजकल हम ट्राई कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम इज़्ज़क लेक पर गए थे, अब हम कापचगे जाएँगे। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं कापचगे। Says that people are wild, they are like animals. You don't have to think to understand it, because when I say this statement, you तो अभी हम जाने लगे हैं, तो एक घंटे का मुसाफत है, फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। चलो बैठो, बैठ क्यों नहीं रहे हो? डिगी कॉल खोलो। गाइस हम पहुंच चुके हैं, इतना अच्छा व्यू है मैं आपको क्या बताऊं। पीछे जो आपको दिखाऊंगा पीछे, इतना वो लैंडस्केप्स हैं और इधर ये सारी वो लेक है पीछे, और उसके पीछे सारे वो पहाड़ हैं। तो अभी हम नीचे उतरेंगे और लेक के पास जाएंगे। जी जनाब, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल किनारे के ऊपर। सो दिस इज़ कॉल्ड कापचगे लेक, जो कि आप कह सकते हैं कि मिनी समंदर, मिनी सी इनका, क्योंकि इनके पास अपना समंदर नहीं है। तो हमें बताया था कि ये जगह वो घूमने के लिए, वो पीछे अगर देखें पीछे से आपको पहाड़ नज़र आएंगे काफ़ी पीछे, तो आगे ये पानी है और ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि अभी ठंड स्टार्ट हुई है। तो आज हमने देखा था कि मौसम जो है काफ़ी गर्म है क्योंकि सूरज वगैरह निकला हुआ है, तो इसलिए आज हमें हम अपने जैकेट भी साथ लेके आएंगे, अगर वहाँ पर ठंड हुई तो हम भी पहनेंगे। तो आए आपको फिर मैं पानी दिखाता हूँ यहाँ का। अगर आप टूरिस्ट चीज़ें चेक करें तो ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक। वाह, फोटो बना के थक गए हैं, अभी हमने कहा चलें पूरी रस्म की जाए, जूते उतार लें, जराबे उतार लें और पानी के अंदर जाया जाए। बहुत ठंडा पानी है। जी जनाब, तो फोटो सेशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा व्यू है पीछे देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर रोड पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ बनाएंगे और फिर यहाँ पे कोनाइफ सिटी है उसके अंदर इंटर होंगे, वहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत कैसा सीन है, तो फिर हम घर चलेंगे इंशाल्लाह।
हेलो। तो यार व्यू चेक करें चारों तरफ कितना अच्छा है। तो अभी हम बस मेन रोड पे खड़े थे तो मैंने कहा चलो व्यू बना लें। वाओ अमेजिंग। तो ये हम इनसाइड कुनाइफ सिटी आए हैं। तो ये छोटा सा सिटी है इसका, यहाँ पे मैं ऐसे घूमने के लिए कि हम आते तो इतना बड़ा सिटी है तो अंदर कैसा है। काफ़ी यहाँ पे सफाई वगैरह अच्छा सिटी मुझे पसंद आया, सुकून है यहाँ पे। यहाँ पे उतरे हैं, स्टे किया। ये मैगना मैं तो हमें थोड़ी प्यास वगैरह लगी थी भूख भी, तो यहाँ पे हम कोई हल्का फुल्का देखते हैं अंदर जाके पीने के लिए और खाने के लिए। से बाहर का जो व्यू है सिटी का, ये कुनाइफ सिटी ऐसे अच्छा है ये भी। चले अंदर। दिस इज मागनम एक्सप्रेस एवरीवेयर इन कजाकिस्तान। चले हम थोड़ा सा चीज़ें देख लें, ठीक है, खाने पीने का ढूंढ लें, तो फिर जो लेंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमने बहुत गोरिल्ला चॉकलेट लेज ली हैं, तो ये जाएंगे फिर घर जाके हम खाना खाएंगे। जी गाइस, तो अब हम चलते हैं घर। तो अब घर जाके रात का भी खाना खाएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। जी गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर अलमाती में, और अभी फुल थक चुके हैं। अमर भाई गाड़ी चला चला के थक चुके हैं और हम बैठ के थक चुके हैं। तो अभी घर जाके ओबियसली खाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक अपना रखें ख्याल और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।